आप कभी ये नोटिस किए हैं कि जब भी टॉपर्स का इंटरव्यू लिया जाता है तो लगभग हर एक टॉपर एक ही बात बोलते हैं कि हम 5 घंटा पढ़ते थे, हम 6 घंटा पढ़ते थे। बहुत कम ही टॉपर्स देखे होंगे आप जो कि अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम 10 घंटा पढ़ते थे, हम 15 घंटा पढ़ते थे। बहुत रेयर केस में आप सुने होंगे। अधिकांश टॉपर यही बात बोलते हैं कि हम सर 6 घंटा पढ़ते थे, 5 घंटा पढ़ते थे, 7 घंटा पढ़ते थे। तो आखिर कैसे? 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर भी आप टॉपर्स नहीं बन पा रहे हैं, फिर भी आप टॉपर्स की तरह नहीं सोच पा रहे हैं, आपके माइंड में ये चीज नहीं आ रहा है कि हाँ हम टॉपर बनेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जबकि टॉपर्स जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा पढ़ करके बता रहे हैं कि हम टॉपर्स थे। तो अक्सर हमें यही लगता था कि भाई टॉपर्स कैसे 5-6 घंटा पढ़ के टॉपर बन जाते हैं, हम तो 10 घंटा पढ़ रहे हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है बाबू, स्मार्ट स्टडी। तो बच्चों सबसे पहला जो चीज है ना वो है आप लोगों के लिए टाइम टेबल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को हम देखे हैं बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करते हुए। कब उठना है इसका कोई टाइम नहीं है, कब पढ़ना है कोई टाइम नहीं है, कब खाना है कोई टाइम नहीं है, खेलने का टाइम फिक्स है लेकिन पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे आप टॉपर्स बन पाएंगे? तो सबसे पहले हर एक चीज का टाइम टेबल होना चाहिए। दूसरा चीज, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं बाबू, दूसरा चीज वो होता है गोल। एक गोल फिक्स होना चाहिए कि आज हमें क्या पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इतना सारा किताब लेकर के बैठ गए और हर एक किताब का 10-10 पन्ना उलटते जा रहे हैं। भाई इतना सारा किताब लेकर के बैठोगे ना तो दिमाग पहले ही कंफ्यूज हो जाएगा कि बेटा इसमें से पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? आप सोचो ना, अगर आपको बहुत जोर से भूख लगा है, आप इतना सारा खाना लेकर के बैठ गए तो सबसे पहले आपका दिमाग तो ये सोचेगा कि शुरुआत कहां से करें, पहले क्या चीज खाएं। और इतना सारा काम खा जाएंगे, दिमाग आपका कंफ्यूज हो जाएगा क्या खाएं क्या छोड़े, दिमाग यही नहीं सोच पाएगा। तो आपके भोजन के जैसा ही आपका पढ़ाई है। अगर इतना सारा लेकर के बैठ जाओगे ना तो दिमाग सोचेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो इसलिए एक गोल सेट करिए और गोल उतना ही जितना में आपका पेट भर जाए। समझ गए ना, खाना उतना ही खाइए जितना में पेट भर जाए, उसी प्रकार से पढ़िए उतना ही जितना में आपका मन शांत हो जाए और जितना आप समझ सकें, जितना आपका कैपेसिटी है। कैपेसिटी से ज्यादा पढ़िएगा कोई फायदा नहीं होगा, अनपच कर जाएगा। समझ गए ना, तो इसलिए कैपेसिटी के अनुसार ही पढ़िए, गोल जरूर बनाइए। और हाँ, पढ़ाई के बीच में जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, 3 घंटा 4 घंटा अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो हर एक 40-45 मिनट पर ना एक 5 मिनट का भी ब्रेक होना चाहिए। हमेशा प्यारे बच्चों एक चीज याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी है ना, तो इसका उपयोग करिए आप लोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, बहुत बेहतरीन चीज है ये। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पढ़ा हुआ चीज भूले ना तो रिवीजन आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन को तो कभी छोड़िए ही मत, पढ़िए थोड़ा कम लेकिन रिवीजन करिए थोड़ा ज्यादा। समझ में आया, पढ़िए थोड़ा कम रिवीजन करिए थोड़ा ज्यादा। समझ में आया, अक्सर आप लोग देखते होंगे खाना खाने के बाद लोग कहते हैं कि जरा टहल लेना चाहिए, खाना पच जाता है बढ़िया से। वैसे ही समझिए कि पढ़ने के बाद थोड़ा रिवीजन भी होना चाहिए, तब जाकर के वो पढ़ा हुआ चीज अच्छे से पचेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, नहीं तो वो पढ़ा हुआ चीज पचेगा ही नहीं, अनपच कर जाएगा। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, पढ़ने के बाद उस चीज को रिवीजन जरूर करिए, आज नहीं कल करिए, कल नहीं परसों करिए, हर एक सप्ताह पर कुछ ना कुछ रिवीजन होते रहना चाहिए।